Good morning, all the students. Today we will continue chapter 1, the second last step of production of agriculture. The method of agriculture is that production from weeds. Do you know that weeds are the unwanted plants that grow between our agriculture field? Weeds matlab unwanted plants hai, humko zarurat nahi hai, aur hum jahan kheti karte agriculture karte hai, uske beech mein jo produce hota hai. The undesirable plants are called weeds. हमको जो जरूरत नहीं है उसको हम कहते weeds कहते. Removal of weeds is called weeding. Weeding मतलब है ये इसको निकालने का जो प्रोसेस है. ये weeds को निकालने का जो प्रोसेस उसको weeding कहते. Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. Weeding करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये weeding से क्या हो सकता, weeding नहीं करेगा तो क्या हो सकते, जो भी plants को हम fertilizer देते, manures देते, वो सब weeds भी use कर सकते और उतना वो एग्रीकल्चर को इफेक्ट कर सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट कर सकते हैं. वीडिसाइड्स, व्हाट आर वीडिसाइड्स? वीडिसाइड्स आर द केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड टू कंट्रोल वीड्स. वीड को कंट्रोल करने के लिए हम जो दवा यूज करते स्प्रे करते उसको हम कहते वीडिसाइड्स कहते. वीडिसाइड्स आर यूज्ड टू किल वीड्स. वीड्स को मारने के लिए, खत्म करने के लिए हम यूज करते वीडिसाइड्स करते. नेक्स्ट हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग इज ऑफ ए क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मच्योर. मच्योर होने के बाद क्रॉप को हम कटिंग करके अलग करते हैं, ये मेथड को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग कहते हैं. फॉर हार्वेस्टिंग द मेथड्स लाइक थ्रेशिंग एंड विनोइंग आर यूज्ड. उसके लिए थ्रेशिंग और विनोइंग मेथड हम यूज करते हैं. देन व्हाट इज थ्रेशिंग? थ्रेशिंग क्या होते हैं? सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स. ग्रेन्स को हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, ये प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग कहते हैं. नाउडेज फॉर थ्रेशिंग थ्रेशर्स आर यूज्ड. आजकल थ्रेशर्स मेनली यूज करते हैं. The natural method is the winnowing. Natural method is winnowing. Separation of grains from chaff by using wind. Wind use karke chaff mein se grains ko separate karte. Ye process ko hum kahte winnowing kahte. And last step is storage. Storage produces an important task. Storage karna ek important work hai. The harvested grains are to be kept for longer time. They should be safe from moisture, insect, riot and microorganisms. हार्वेस्ट किया हुआ जो ग्रेन्स होते उसको वो जो इंसेक्ट जो होते राइट्स होते आंट्स होते उसमें से प्रोटेक्ट करके रखना बहुत जरूरी है साल भर के, नहीं तो अब आगे यूज करने में प्रॉब्लम रहते. तो ये स्टोरेज करने के लिए सिलोन से ग्रैनरी गोडाउन बनाते, गोडाउन में संभाल के रखते. एंड नेक्स्ट अनदर पॉइंट इज दैट एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद द प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर इज एन एनिमल हस्बेंड्री. नेक्स्ट एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री मीन्स एनिमल्स को फार्म्स के अंदर हम ग्रोथ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बफेलो, काउ, हेन, ऐसा अलग अलग एनिमल्स को हम डोमेस्टिक पर्पज के लिए और बिजनेस पर्पज के लिए हम पालन करते हैं, उसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री करते हैं. सो नाउ चैप्टर इज ओवर. थैंक यू.